तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस फिर से एक और अमेजिंग से वीडियो के साथ। और गाइस, आप देख सकते हो हमारे स्टेडियम पे क्या रखा है। तो यस गाइस, हमारे पास रखा है एक स्टॉर्म पेगासस। थोड़ा पुराना लग रहा होगा बट कोई बात नहीं है, लेकिन गाइस इसके अंदर जो जोश और जज्बात हैं वो एकदम नए हैं। बेब्लेड जरूर पुराना है, तो मैं दिखा देता हूँ कि इस बेब्लेड में ऐसा क्या खास है कि हमें अलग से वीडियो बनाने की जरूरत पड़ गई। तो चलो गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यस गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो ये है अपना स्टॉर्म पेगासस। थोड़ा सा पुराना हो गया है बट कोई नहीं, चलता है। और गाइस, अब गजब की बात दिखाने वाले हैं। तो गाइस ये देखिए, ये है गजब की बात स्टॉर्म पेगासस की। इसके पास है 90 WF स्पिन ट्रैक और टिप। तो गाइस गजब का परफॉर्मेंस मिलता है, और पर्सनली ये ट्रैक टिप मेरा फेवरेट है स्टॉर्म पेगासस या किसी भी पेगासस के लिए। ये विंग पेगासस का ट्रैक और टिप है। कलर थोड़ा डिफरेंट है बट हाँ, टिप लगभग यही ट्रैक टिप कॉम्बो रहता है विंग पेगासस पे गाइस। तो गाइस मेरे हिसाब से हर पेगासस के लिए सबसे मस्त कॉम्बो यही है, ट्रैक टिप यही डालो। रबर टिप्स गाइस खराब हो जाती है बहुत जल्दी, ये काफी टाइम तक चलता है, इसका स्टैमिना भी अच्छा होता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो गाइस वो ऐसी चीजों को डेली देखते रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। तो यस गाइस, यहां पे कुछ बेब्लेड्स हैं अपने पास, इनसे करके बैटल चेक करेंगे कि क्या ये कॉम्बो गजब का है या नहीं। तो चलो गाइस, तब तक आपका दो सब्सक्राइब, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बैटल। तो गाइस हम बैटल के लिए तैयार हैं, और पहला बेब्लेड होने वाला है स्टॉर्म पेगासस स्टॉक कॉम्बो। और थोड़ा सा इसका रबर टिप घिस गया गाइस, तो थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का हो गया बट कोई नहीं, काम चल जाएगा। तो देखते हैं गाइस ये स्टॉर्म पेगासस को, ये वाला अपना स्टॉर्म पेगासस कस्टम कॉम्बो हरा पाएगा कि नहीं। तो चलो गाइस, पहली बार में इसको पहले लॉन्च करेंगे, फिर दूसरी बार में उसको। ये गया गाइस रबर फ्लैट, ये गया वाइट फ्लैट गाइस, और अपना गाइस वाइड फ्लैट हो गया। थोड़ा सा पागल पैटर्न खराब हो गया बेचारे का, बट कोई नहीं, देखते हैं कि जीत पाएगा कि नहीं, ये है रियल बात। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक गाइस, चलो देखते हैं आगे क्या होता है गाइस। काफ़ी मज़ा आ रहा है, और इस बैटल में गाइस कुछ भी हो सकता है। और गाइस अभी अपने 90 WF वाले स्टॉर्म पेगासस का स्टैमिना नहीं ख़त्म हुआ है, और RF वाला रुकने लग गया है। एक्चुअली ये स्टेडियम ना थोड़ा फ्रिक्शन भी ज़्यादा क्रिएट करता है, तो इस वजह से बेब्लेड उतनी स्पीड यहाँ पे गेन नहीं कर पाते हैं स्टेडियम में। कोई बात नहीं गाइस, इस बार हम अपने 90 WF कॉम्बो को पहले लॉन्च करेंगे, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं अपने कॉम्बो को एडवांटेज दे रहा हूँ। और गाइस इस बार काफ़ी अच्छा अटैक कर रहा है मेरा कॉम्बो, क्या बात है गाइस, मज़ा आ गया, गजब का परफॉर्मेंस। लेकिन लग रहा है इस पर मेरा कॉम्बो गाइस रुक जाएगा, काफ़ी इधर उधर भेड़ भेड़ के उसकी काफ़ी स्टैमिना ख़त्म हो गया है। और गाइस उस वाले कॉम्बो का जो स्टॉक कॉम्बो है, इसका टिप काफ़ी वर्न आउट हो गया है, तो थोड़ा सा बॉल टाइप का हो गया है, तो इस वजह से इसका अटैक कम, स्टैमिना ज़्यादा हो गया है। खैर कोई नहीं, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस था, और ये दीवारों से काफ़ी ज़्यादा भिड़ गया, इसलिए इसका स्टैमिना खराब हो गया। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट बेब्लेड पे आते हैं, फ्लेम सजिटेरियो से गाइस बैटल करते हैं। देखते हैं गाइस फ्लेम सजिटेरियो को हरा पाएगा या नहीं। ये गया सजिटेरियो, ये गया गाइस अपना पेगासस। और गाइस क्या अटैक आते ही आते, क्या मार पिटाई हो रही है सजिटेरियो की। लेकिन ये क्या, पेगासस का पैटर्न खराब हो गया है, सजिटेरियो ने ले लिया है सेंटर गाइस, ये चीज़ अच्छी नहीं है हमारे पेगासस के लिए। फिर भी कोई नहीं, देखते हैं। और गाइस लग रहा है सजिटेरियो स्टैमिना में हारने वाला है, बिना अटैक के हार जाएगा, तो ये काफ़ी फनी बात है मेरे हिसाब से। देखते हैं गाइस क्या होता है इस बैटल में। और सजिटेरियो रुकने के करीब, अब पेगासस शायद अटैक करेगा पास आके, देखते हैं गाइस। और गाइस काफ़ी क्लोज होने वाला बैटल, और ये पेगासस जीत गया, क्या बात है गाइस। तो स्टैमिना भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है गाइस 90 WF से, बस ये कभी कभी थोड़ा ज़्यादा पागल हो जाता है जैसे अभी ये देखिए, लेकिन ये पागलपंथी भी ज़रूरी है गाइस। और सच बोलूँ तो ये 90 स्पिन ट्रैक थोड़ा लोअर हो जाता है ना, तो थोड़ा सा कुछ कुछ ये अटैक्स लाइटनिंग एल्ड्रैगो वाले अटैक्स की तरह दिखते हैं, काफ़ी मज़ेदार लगता है। और इस बार पता नहीं गाइस का स्टैमिना बहुत कम हो रहा है, इस बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये हार सकता है, बट देखते हैं गाइस, क्योंकि अटैक करने का मौका है इसके पास, तो इससे जिटेरियो को हो सकता है हरा दें। और फिर से एक और विन, क्या बात है गाइस, मज़ा आ गया। अब गाइस नेक्स्ट बे की तरफ बढ़ेंगे, जो है बर्न स्ट्राइकर SW145B के साथ, ये भी काफ़ी अच्छा कॉम्बो है, तो गाइस देखते हैं इसको हरा पाएगा कि नहीं। ये क्या बर्न स्ट्राइकर, अब गाइस बारी है अपने पेगासस की। ओहो गाइस क्या अटैक था, लेकिन अटैक तो कर दिया लेकिन पैटर्न खराब हो गया, अब ये थोड़ी सी खराब बात हो गई, अब शायद जीतने में दिक्कत होगी, बट देखते हैं गाइस क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते हैं अभी। और गाइस ये बर्न स्ट्राइकर का तो स्टैमिना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा,
ऐसा क्यों लग रहा है मेरा पेगासस बेचारा हारने वाला है। परफॉर्मेंस अच्छा किया गाइस, लेकिन आखिरी में पता नहीं क्या ही होगा। काफ़ी क्लोज हो रहा है ये बैटल, और गाइस थोड़े से अंतर से बर्न स्ट्राइकर जीत गया। तो अटैक अच्छा नहीं हो पाया था पैटर्न खराब होने की वजह से, गाइस हार गया अपना पेगासस। कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे, और फिर से वही चीज़ हो गई गाइस। यार ये प्रॉब्लम थोड़ा सा स्टेडियम में हो जाता है कि पेगासस अपना पैटर्न ख़राब कर लेता है और फिर सारा खेल ख़राब हो जाता है। और कुछ मैं थोड़ा पावरफुल लॉन्चर होता तो मैं इसको सीधा नॉकआउट ही करता, बट वो भी नहीं हो पा रहा है गाइस। चलो कोई नहीं, जो हो पा रहा है वही कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। फिर से गाइस स्टैमिना में मार खा गए हम लोग। तो बर्न स्ट्राइकर का स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा है और इस वजह से इससे जीत नहीं पा रहा है। कोई नहीं कोई नहीं, आप बाकी बेस से जीतेगा। तो गाइस नेक्स्ट बेल आते हैं, ये है प्री हाइब्रिड एक्वेरियो। ये भी एक गजब का कस्टम कॉम्बो है, तो मुझे नहीं लगता इससे जीतने वाला है, मुझे लग रहा है हारेगा। फिर भी कोई नहीं, ट्राई करते हैं गाइस, क्योंकि ये कॉम्बो भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड है। दोनों ये एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं गाइस। एक्चुअली क्या है ना, प्री हैबिट एक्वेरियो का वेट अच्छा खासा है, तो उस पर अटैक्स का ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, और उसके अटैक्स बहुत पावरफुल होते हैं। टिप थोड़ा सा पतला है तो स्टैमिना ज़्यादा है, और गाइस लग रहा है कोई भी जीत सकता है। क्या बात है, मुझे लगा नहीं था यार बिना पेगासस जीत गया, क्योंकि यार ये कॉम्बो ज़्यादा अच्छा है एक्चुअली में। फिर भी कोई नहीं, एक बार इसको लॉन्च करते हैं पहले, हो सकता है पहले लॉन्च करने की वजह से फ़र्क पड़ रहा है। अभी तक गाइस ओहो क्या अटैक था गाइस, क्या अटैक था, क्या बात है। इस बार तो पेगासस ने गाइस गजब अटैक्स किए, भले हार जाए लेकिन परफॉर्मेंस टॉप नॉच था, फिर से जीत गया, क्या बात है। तो भाई अटैक के मामले में और स्टैमिना के मामले में दोनों ही में ये पेगासस अच्छा कर रहा है। अब गाइस नेक्स्ट बेल आते हैं, जो लास्ट बे होगा अपना, ये है फ्लेम लियोन बॉल टिप के साथ। तो देखेंगे इसको हरा पाएगा कि नहीं, ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छा करेगा। ये गया गाइस अपना लियोन, ये गया पेगासस, काफ़ी अच्छा अटैक, और गाइस फिर से पैटर्न ख़राब। देखते हैं गाइस क्या होता है। ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो गई यहाँ पे। कुछ भी हो सकता है गाइस यहाँ पे, और लियोन दोनों ही फेवरेट धीमे होते हुए गाइस, देखते हैं कौन जीतता है। फिर भी पेगासस जीत गया, क्या बात है गाइस। एक लास्ट ट्राई और करेंगे फिर वीडियो का एंड करेंगे, काफ़ी अच्छा था। तो यस गाइस ये पेगासस 90F कॉम्बो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। स्टैमिना थोड़ा सा कम है, बट परफॉर्मेंस काफ़ी इंक्रीज हुआ मेरे हिसाब से। क्या अटैक्स है गाइस, देखो क्या बात है, क्या ओहो भाई ये कॉम्बो गजब धुलाई कर रहा है गाइस। इस बार तो मज़ा ही आ गया, आखिरी बैटल में गाइस इसने पूरा परफॉर्मेंस दिखा दिया अटैक का। लेकिन ये क्या, स्टैमिना ख़त्म हो गया गाइस, ये थोड़ी सी गलत बात हो गई। अटैक कुछ ज़्यादा ही कर दिया इसने, फिर भी गाइस मुझे तो मज़ा आ गया। अभी भी मेरा ये कॉम्बो मैं हर पैकेजेस में लगा के ट्राई करना चाहता हूँ सच बोलूँ तो, और मज़ा आ गया। आप लोग बताइएगा आपको ये कॉम्बो कैसा लगा, ये बैटल कैसा लगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे फिर किसी वीडियो में फिर किसी दिन। तो गाइस तब तक के लिए स्टे सेफ और हैप्पी ब्लेडिंग।